सरो का। सीएम ने 31 मार्च तक गोवंशों को आश्रय स्थल पहुंचाने के दिए निर्देश, निर्देशों के बावजूद खुलेआम में घूम रहे गोवंश। जयप्रीमजीत पाठक का फतेहपुर दौरा, मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा, अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। महावीर जन्मोत्सव पर सीएम ने दी शुभकामनाएं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रदेशवासियों को दी बधाई। यूपी में फिर से डराने लगा कोरोना, पिछले 24 घंटे में मिले 91 नए मरीज, लखनऊ में कोरोना के 13 संक्रमित मिले। एलन मस्क ने ट्विटर के लोगों में किया बदलाव, नीली चिड़िया की जगह डॉगी की तस्वीर लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के जानकीपुरम के सहारा स्ट्रीट रोड पर गोवंश खुले में घूम रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च तक सभी गोवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाया जाना था, लेकिन ऐसा करने में पशुपालन विभाग नाकामयाब रहा और गोवंशों को आश्रय स्थल तक नहीं पहुंचा सका, जिस कारण भारी संख्या में गोवंश खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं इस बात से सीएम नाराज नजर आए और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को 5 अप्रैल तक गोवंशों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय दौरे पर फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस से प्राचीन तामेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके साथ शहर के मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। वहीं भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्रजेश पाठक अमर शहीद जोधा सिंह अटैय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया, साथ ही अधूरे कार्य को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि जिले के बाहर जो भी मरीजों को रेफर किया जा रहा है, इस समस्या से शीघ्र ही लोगों को निजात मिलेगी। वहीं ओलावृष्टि को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रशासन सर्वे कराकर ओलावृष्टि से जहां भी क्षति पहुंची है उन किसानों को चिन्हित कर सहयोग करेगा। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का 22 साल का रिश्ता खत्म हो गया। लखनऊ के अपर प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने दोनों की तलाक अर्जी पर मोहर लगा दी। पिछले साल ही फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए वाद दायर हुआ था, इसके बाद पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मंजूरी दे दी। बता दें कि दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की शादी 18 मई 2001 को हुई थी। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच के तल्ख रिश्ते किसी से छुपे नहीं थे। सियासत को लेकर आम लोगों तक सभी को मालूम था कि दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं और पिछले करीब 10 सालों से दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब दोनों कानूनी रूप से अलग हो गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर छापेमारी की गई, इस दौरान कई खामियां निकलकर सामने आई हैं। बता दें कि इन अस्पतालों में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था, साथ ही मरीजों को एक्सपायरी दवाई भी दी जा रही थी। इसी कड़ी में बांसी तहसील के जिगिनियावा चौराहे पर SDM और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहाँ पता चला कि मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के नाम पर बाकायदा अस्पताल चलाया जा रहा था और मरीजों को भर्ती कर बॉटल और इंजेक्शन लगाया जा रहा था, साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन लगाकर अल्ट्रासाउंड भी किया जा रहा था। जानकारी के बाद पुलिस ने अल्ट्रासाउंड मशीनों को पुलिस थाने भेजकर अस्पताल को सीज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
यूपी में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना के 92 नए मामले सामने आए। इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। दरअसल लखनऊ में 13, गौतम बुद्ध नगर में 10, गाजियाबाद में 15 और ललितपुर में 20 और कानपुर में 3 केस मिले हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 20 थी। लखनऊ के चनहट, एनके रोड और सरोजनी नगर में 2-2 मामले दर्ज किए गए हैं। आलमबाग, अलीगंज, कैसरबाग, इंदिरानगर, मोहनलालगंज और टूरियागंज में 1-1 मरीज मिले हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर संपूर समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर आए मृतक सुशील कुमार की मौत के बाद प्रशासन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां नीरज त्यागी के साथ सैकड़ों त्यागी समाज के लोगों ने तहसील में उपजिलाधिकारी के समक्ष पहुंचकर एक ज्ञापन देकर अपनी मांगों से उपजिलाधिकारी को अवगत कराया। वहीं उपजिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला को त्यागी समाज की अध्यक्षता कर रहे नीरज त्यागी ने बताया कि तहसील में पटवारियों के कार्य करने की प्रणाली सही नहीं है। पटवारी के द्वारा हर कार्य करने के पैसे मांगे जाते हैं। साथ ही नीरज त्यागी ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि मृतक की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से होनी चाहिए। ग्रामीण सुशील त्यागी द्वारा हाथ की नसें काटकर जान देने के संबंध में, जैसा कि विदित है, ग्रामीण सुशील त्यागी निवासी ग्राम बिडोड़ी ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर तहसील दिवस में अधिकारियों के समक्ष अपने हाथ की नसें काटकर जान दे दी। इस अत्यंत दुखद घटना से संपूर्ण त्यागी समाज व क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अगर जल्द ही दोषी लेखपाल या अन्य अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त त्यागी समाज सड़क पर उतरने को मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी मांगे, दोषी लेखपाल अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उच्च स्तरीय इसकी जाँच होनी चाहिए। रायबरेली जिले के विकास खंड हरचंदपुर के अंतर्गत बीते साल 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों परिवारों लोहिया आवासों का आवंटन किया गया था, जिसमें सोलर पैनल से लेकर प्रेशर कुकर तक गरीब परिवारों को मुहैया कराना था, लेकिन पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा अंतिम धनराशि को इधर उधर कर दिया गया। साथ ही ग्रामीणों ने भी ग्रामीण प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका क्या नाम है? दुलारा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। कौन गांव है? ककनपुर। अच्छा, ये जो जहाँ पर खड़ी हैं आप, यहाँ अभी हाल ही में खरिंजा लगा है। अच्छा, लगा है खरिंजा? हाँ, ईमा तो नहीं लगा हमको लागत। अच्छा, कभी लगा है? ईमा तो अभी का नहीं लगा। अच्छा, इसमें खरिंजा नहीं लगा? वो पैसा पेमेंट हो गया? अच्छा अच्छा, ये कौन सा रास्ता है, नाम क्या बोलते हैं इसको? रामचेला घर का मामला रहा है। अच्छा, रामचेला घर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसका शुरुआत कहाँ से होती है, नाम क्या है उसी की? फिर वो इंडिया। दादा, आपका क्या नाम है? मिश्रीलाल। कहाँ के रहने वाले हो? आपका ये जो मकान बना है, आवास बना है, क्या नाम है और कब मिला था आपको ये? तो जाहिर 6-7 साल आवास था। कौन सा आवास था? लोहिया आवाज। इसमें सोलर पैनल वगैरह नहीं लगे हैं? नहीं लगे। क्यों? पता नहीं चाहे उनका। अच्छा, कितना पैसा मिला था मालूम है? मालूम तो हमका नहीं। कौन प्रधान था जब ये आवास मिला था आपको? कल्लू प्रधान। भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश। कहाँ रहते हो? सड़केपुर। ये जो आपको कॉलोनी मिली हुई थी? हाँ भैया। ये कितने की कॉलोनी थी? भैया 3.5 लाख की है। 3.5 लाख? हाँ भैया। आपको पूरा पैसा मिला था? भैया ये मम्मी के खाते में, मम्मी निकलवाती गए, मैं तो मान लो बाद में आ गए। हाँ, लेकिन पैसा आपको पूरा मिला था? हाँ, मम्मी के खाते में पूरा पैसा आया। अच्छा, पूरा पैसा मिला था, लेकिन आपके यहाँ सोलर पैनल वगैरह क्योंकि लोहिया कॉलोनी है, पैसा भी कटा है। अच्छा, कहाँ कटा हुआ पैसा? ये पैसा मम्मी बता सकते हैं कि किसको 60,000 रुपये दे रखे हैं। अच्छा, मतलब खाते से निकाल के दिया? खाते से निकाल के दिया हुआ है 60,000 रुपये। किसको दिया? किसको दिया था? अरे मम्मी बता सकते हैं किसको दिया। नहीं, आप है आपका? कहाँ रहती हैं? कड़कपुर में। ये जो आपको लोहिया आवास मिला है, इसमें क्या क्या सुविधा मिली है आपको? खाली है, तो यह सुविधा है जो बन गए ऐसे बन गए खाली, बस। सोलर वोलर की सुविधा नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं। कौन था प्रधान? कल्लू प्रधान। कौन था? कल्लू प्रधान थे। तो ये सोलर वोलर नहीं लगवा दिया आपको? खाली कॉलोनी मिली बस। खाली कॉलोनी।
कौन सी कॉलोनी है? लोहिया। लोहिया कॉलोनी। कब मिली थी? अरे वही में बनी है। ठीक भैया, क्या नाम है आपका? देवतर साहब। कहाँ रहते हैं? कक्केपुर। ये जो लोहिया आवास आपको मिला है जी, इसमें क्या समस्या है आपको? हमको कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, नहीं। इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं जो दी गई थी सरकार? हमको पैसा मिला है हाँ, उतनी आपके सामने खड़ी। कितना पैसा मिला था आपको? 1,275,000। बाकी का पैसा नहीं मिला? हमारी जो पास बुक में है आपको पास वो दिखा सकते। इसमें जो सोलर लाइट वगैरह लगना था, पंखा लगना था, बैटरा वगैरह, ये सब मिला था? मालूम नहीं। इसका पैसा आया था आपके पास? ये हमारे पास नहीं आया। आपका पैसा नहीं आया? टोटल पैसा कितना आया था आपके खाते में? 2,75,000। बाकी नहीं आया? नहीं। लेकिन इसका तो मानना कुछ ज्यादा है, तो ग्राम प्रधान साहब ने बात नहीं की इसके बारे में? अब दादी, क्या नाम है आपका? अच्छा, जहाँ पर आप खड़ी हैं, इसी के अभी हाल ही में खरिंजा लगाया गया है। अच्छा। तो खरिंजा कभी लगाया? हाँ, लगा। अच्छा, कभी खरिंजा नहीं लगा, जबकि कागजों पे खरिंजा लग चुका है। अच्छा, ये कौन सा गांव है? कक्केपुर। यहाँ पूरा वहाँ पूरा एक का है। ये कौन से ब्लॉक में आता है? हरचंदपुर। हरचंदपुर बताओ। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के उनके समग्र विकास, जीवन जीने के तरीके और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराकर उनके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शहीद स्मारक का भ्रमण कराया गया। साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन और भारतीय इतिहास के बारे में उन्हें अवगत कराया गया, ताकि बच्चे आगे भविष्य में जाकर देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक, साथ ही साथ आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी और क्रांति की मिसाल बने। आज के स्कूल के बच्चे हैं और इन लोगों का ये आज एक एक्सकर्शन कराया गया है। शासन ने ये कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि बच्चों के पढ़ाई को एक समग्र रूप में देखा जा सके और मात्र किसी कक्षा की दीवारों के अंदर और चार किताबों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि एक पूरे जीवन का अनुभव और जीवन जीने की शैली के बारे में ये पूरी एक समग्र शिक्षा हो। तो उसी कड़ी में आज जिन लोगों को यहाँ पर जो मुंशीगंज स्थित शहीद स्थल है वहाँ का एक्सकर्शन कराया गया, वहाँ के महत्व के बारे में बताया गया, ताकि इन बच्चों में ये एहसास हो कि हम लोग जहाँ खड़े हैं, जो हमें अधिक बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक और कार और ट्रैक्टर ट्राली की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए CHC में भर्ती कराया गया। वहीं हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हाईवे पर क्षतिग्रस्त पड़े वाहनों को क्रेन के जरिए हटवाया गया। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 की घटना बताई जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण है और अभी यहाँ पे सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पे सेंट मैरी स्कूल के सामने एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ट्रैक्टर और कार की टक्कर हुई है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए और उसमें से एक की मौत हो चुकी है, जो एक्सपायर हो गया। उसका नाम है राजेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह एक्सपायर हो गया और उस बाकी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है प्राइमरी उपचार देने के बाद। रायबरेली में पुलिस ने एक युवक की जमकर पिटाई की। बता दें कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरे बैशन गांव के 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान पीड़ित ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच करने के बजाय शिकायतकर्ता और उसके भाई को थाने ले गई, जहाँ कोतवाली के दरोगा ने उसके जमकर लात घूसों से पिटाई कर दी। दरोगा की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और हालत बिगड़ती देख दरोगा ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिर क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर अनिल कुमार भारद्वाज, मेडिकल अफसर CHC महाराजगंज। कोई मामला आया क्या है? हाँ, एक मामला 4:20 पे आया है।
बाएं साइड सीने में दर्द बता रहा है, चोट बता रहा है, किसी ने उसको मारा है। क्या नाम है? सौरभ नाम का है, 32 साल उम्र है, पिता का नाम विश्वराम है, बैसन कपूरवा हलोर। कैसे चोटें आई सर, कहाँ पर मारा गया, कुछ बताया? वो पेशेंट बता रहा है कि थाने में हमको मरे, हमारी जमीन और हमने कंप्लेन की 100 नंबर पे और लेके गई वहाँ, करे तुम्हारा फैसला हो जाएगा, तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारे साथ कोई वो नहीं होगा और तुम्हारे साथ न्याय होगा। यहाँ आके बंद करके बहुत मारा, सिर्फ हमको मारा, हमारे भाई को मारा और दूसरे बच्चे को कुछ भी नहीं कहा, उनको कुछ भी नहीं किया, अगर पैसे ले रखे पैसे नहीं के, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारा सब वहाँ पे सब खाली करवा दिया। कानपुर के थाना गुजैनी क्षेत्र के अंतर्गत मर्दनपुर गांव में कुत्ते को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौकी में जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें कि मर्दनपुर में एक नाबालिग बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौकी मेहरबान सिंह पुरवा का घेराव किया। मौके पर थाना प्रभारी सहित कई आला अधिकारियों ने पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शांत कराया। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौकी मेहरबान सिंह पुरवा में लिखित में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।